नमस्कार <laughs> दो मिनट म्यूट करना अपनी आवाज तो आवाज क्या अपने फोन दूर कर लो दो मिनट <laughs> a <laughs> नमस्कार आदाब सत्या मैं का हूं कपिल काटपाल स्वागत है और अगर आप नए हैं अगर पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आपके लिए मैं यहाँ पर बहुत ही शानदार लेवल के करंट अफेयर्स लेकर आता हूँ जो कि आपके किसी भी बैंकिंग एग्जाम्स या फिर आप एस या फिर रेलवेज या कह लीजिए कॉमन एंट्रेंस एग्जाम तैयारी कर रहे हैं तो ये कोस्ट, ये क्लास आपके लिए बहुत बहुत ही ही शानदार उससे पहले अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं मेरे एमसीक्यू की में, तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसको 840 पे वहां पर पर क्लास होती है एमसीक्यू की करंट अफेयर्स की उस क्लास में जाइए लॉग इन कीजिए अन अकेडमी के लर्निंग ऐप को डाउनलोड कीजिए लॉग इन कीजिए और क्लास को आप ज्वाइन कर सकते हैं

एट द रेट के कार्ट पर लिखेंगे तो आपको मेरा चैनल मिलेगा एट द रेट के कार्ट पर अगर टेलीग्राम पे जाइए और एट द रेट के कार्ट पर लिखिए आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा फोर्टी फोर थाउजेंड होंगे उस चैनल को ही ज्वाइन कीजिएगा <laughs> शुरुआत करते हैं आज के सेशन की

ये इसकी फुल नेम अच्छे से याद रख लीजिएगा पूछी जा सकती है ओके okay, सो so ये पार्विंग गृह समिट थी ऑर्गेनाइज किसने किया गृह काउंसिल ने किया, किया? हैदराबाद तेलंगाना एंड दी तेरी ने उसको ऑर्गेनाइज किया था इसकी थीम रही रिजुविनेटिंग रेजिलिएंट हैबिटेट्स ओके okay, सो so ये इसकी इस बार की थीम रही है और गृह आखिरकार क्या है <coughs> ग्रीहा खर घर क्या है ग्रीहा आपकी एक नेशनल रेटिंग सिस्टम है ग्रीन बिल्डिंग्स का ओके सो जो बिल्डिंग्स हैं आपकी हमारी और उनके लिए यहाँ पर एक रेटिंग सिस्टम है किस तरह से वो कार्बन एमिशन कर रहे हैं किस तरह से वो ग्रीन हाउस एमिशन कर रहे हैं उनके बारे में ये रेटिंग आपकी देनी है दैट इज द नेशनल रेटिंग सिस्टम ग्रीन बिल्डिंग्स के लिए आपको एक कह सकते हैं ग्रीन हाउस एमिशन फ्री बिल्डिंग्स को बनाना दोज आर ग्रीन बिल्डिंग्स उनको रेटिंग देना उनके अकॉर्डिंग सो so ये इनिशिएटिव था तेरी का

अवेयरनेस क्रिएट करना लोगों को प्रमोट करना यहाँ पर कि वो एनवायरमेंट से उनको यहाँ पर रूबरू करवाना बेसिकली उनको पॉल्यूशन से उनको कहना कि कम करना चाहिए आपको पोल्यूशन स्मार्ट सिटीज आपको बनानी चाहिए मीन्स आपको सिटीज को आपको पोल्यूशन फ्री बनाने में आपको मदद करनी चाहिए पेडिस्ट्रियन फ्रेंडली मीन्स आप चल कर जाइए क्लाइमेट रेजिल क्लाइमेट रेजिलियट आप क्लाइमेट के बारे में अवेयर हो आपके इसके अलावा ग्रीहा के बारे में बताएं ग्रीहा जो कि दो में आपका लॉन्चिंग और दिस वॉज एन अपग्रेडेड वर्जन ऑफ काउंसिल रेटिंग सिस्टम इसी का ये अपग्रेडेड वर्जन था जो अभी इन्होंने दो में लॉन्च था एंड ये आपका गृह जो है जो रेटिंग सिस्टम है इसको एस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के साथ अलाइन किया गया है जो कि 2030 तक अचीव करने हैं पूरी दुनिया को जो भी इसमें राइट uh, right. इसके अलावा कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी ईयर जो है 2019-20 को कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी ईयर माना जाता है जिसमें आपका छह ऐसे लाइट हाउस प्रोजेक्ट की बात की गई है छह लाइट हाउस प्रोजेक्ट जो की अलग अलग छह अलग अलग एरियाज में किए जा रहे हैं इंदौर राजकोट चेन्नई रांची अगरतला एंड दी लखनऊ में इनमें आपका एक हजार घर हर एक जगह पे आपके बिल्ड किए जाएंगे इन छह जगहों पर एंड इसके अलावा एक आशा नाम की स्कीम भी लॉन्च की गई है जहां पर पांच इंक्यूबेशन सेंटर्स को भी एस्टेब्लिश किया जाएगा यहाँ पर अलग अलग जगहों पर जहां पर आपका जो भी material, material जो भी या जो भी मटेरियल, मटेरियल, कंस्ट्रक्शन या टेक्नोलॉजी को नया रूप देने की बात की जाएगी okay, so यहां पर आपका काफी कुछ है इसमें पढ़ने वाला काफी कुछ इसमें याद करने वाला देखते हैं क्या चीज क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है okay, सबसे पहले तो यहां पर ये... थीम इंपॉर्टेंट है यहाँ पर नेक्स्ट चीज किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है यहाँ पर याद रख है आपसे कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी ईयर कौन से दो हजार उन्नीस को माना जाता है छह लाइट हाउस प्रोजेक्ट कहा किए जाएंगे पांच छे के छे का नाम है आशा की फॉर्म यहाँ पर पूछी जा सकती है आशा की फॉर्म याद रखनी है इसके अलावा यहाँ पर हां अच्छा गृह तो मैंने बता ही दिया आपको राइट और इसके अलावा क्या लॉन्चिंग दैट इज व्हाट इज CCF फुल फॉर्म इसकी याद रख ले क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज असेसमेंट फ्रेमवर्क ये आपको याद रखना है ओके okay. सो so, यहाँ पर आपका आ, ये चीज इंपॉर्टेंट है अच्छे से याद रख लीजिएगा गृह का स्टेट इफेक्ट एंड दी तेरी का स्टेट इफेक्ट यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर म्यूजियम फॉर दी नेताजी सुभाष चंद्र बोस इन कोलकाता वेस्ट बंगाल सो यहाँ पर यूनियन कल्चर मिनिस्टर वाज प्लानिंग अ म्यूजियम फॉर दी नेताजी इन कोलकाता ओके okay, सो so नेताजी की जो एक बर्थ एनिवर्सरी है आपकी उसी मौके पर यहाँ पर जो दो में आपका इंडिपेंडेंस को पिछहत्तर वर्ष हो जाएंगे उससे पहले नेताजी की जो बर्थ एनिवर्सरी होती है तेईस जनवरी को होती है तेईस जनवरी को आपका यहाँ पर एक सौ पच्चीसवीं बर्थ एनिवर्सरी उसी मौके पर नेताजी के ऊपर एक म्यूजियम स्टेब्लिश करने की प्लानिंग की जा रही है कहां पर कोलकाता वेस्ट बंगाल में <coughs> इंडिया इंडोनेशिया Uh, JWG on the Drug एक जेडब्ल्यू जी दैट इज ए ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप चौथी ऐसी मीटिंग यहाँ पर आयोजित की गई जिसमें नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इंडिया की तरफ से नेशनलटिक्स बोर्ड इंडोनेशिया की तरफ से इन्होंने पार्टिसिपेट किया इंडिया के साइड को यहाँ पर <coughs> इंडिया के साइड को यहाँ पर हेड किया आपका डायरेक्टर जनरल ऑफ एनसीबी राकेश अस्थाना ने एंड uh, चूंकि आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर आता है नहीं बोला जा रहा है यार ओके एंड दी राकेश ने हाईलाइटेड द ट्रैफिकिंग ऑफ द हीरोइन एंड एम्फेटामाइन टाइप स्टिमुलेंट इन इंडिया थ्रू द लैंड एंड मैरिटा पर्टिकुलरली पटिकुलरली गोल्डन ट्रायंगल। ओके, गोल्डन ट्रायंगल क्या है गोल्डन ट्रायंगल एक ऐसा एरिया है जो कि आपका थाईलैंड लाओस एंड म्यंमार जहां पर मीट करते हैं तीनों के तीनों देश जहां पर एक साथ मीट करते हैं एट द रुआक मिकोंग रिवर्स पे उन उस एरिया को हम गोल्डन ट्रैंगल के नाम से जानते हैं उस एरिया को हम गोल्डन ट्रैंगल के नाम से जानते हैं ये एरिया होता है जहाँ पर तीनों देशों के बॉर्डर्स आपके मुलाकात करते हैं आपस में मिलते हैं यहाँ पर इंडिया एंड इंडोनेशिया दोनों ने यहाँ पर आपका चौथी बायोलेटल जेडब्ल्यूजी जी मीटिंग आपकी यहाँ पर ऑर्गेनाइज की ड्रग कंट्रोल से रिलेटेड ओके एनसीबी राकेश अस्ताना हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली इंडोनेशिया जो कोविड जकार्ता इंडोनेशिया रिफिया करेंसी इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप हुआ एंड दिस इज ऑन दी काउंटर टेररिज्म ओके टेररिज्म से रिलेटेड यहाँ पर एक मीटिंग हुई किसके बीच में इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में इंडिया की तरफ से यहाँ पर आपका महावीर सिंह भी जो कि जॉइंट सेक्रेटरी थे आपके मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में इन्होंने लीड किया एंड यहाँ पर दोनों साइड्स ने एक साथ मिलकर टेररिस्ट अटैक्स के ऊपर आपकी चर्चा की उसको किस तरह से काबू पाया जा सकता है सो so, हाल ही में क्वेश्चन आएगा काउंटर टेररिज्म से रिलेटेड यहाँ पर कौन से दो देशों के बीच में मीटिंग हुई दैट इज इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में आपके इंडिया ने कौन से देश के साथ मीटिंग की राइट आंसर ऑस्ट्रेलिया आपका रहेगा ऑस्ट्रेलिया कैनबरा ऑस्ट्रेलियन डॉलर एंड दी मॉरिसन वहां के प्राइम मिनिस्टर है नेक्स्ट मीटिंग इंडिया बांग्लादेश के बीच में हुई है जो कि नरेंद्र मोदी जी एंड शेख हसीना वाजेद दोनों देशों के प्राइम मिनिस्टर यहां पर मौजूद थे इस मीटिंग में आपकी क्या क्या बातें की गई बहुत सारी चीजें इस मीटिंग में हुई है बहुत थोड़ी सी बड़ी न्यूज है ध्यान से समझिएगा इस न्यूज को यहाँ पर सबसे पहली चीज पांचवा पांचवा रेल रेल लिंक ओके, रेल लिंक ओके इंडिया बांग्लादेश को कनेक्ट करने के लिए ये एस्टेब्लिश करने की बात की गई जो कि 10.5 किलोमीटर लंबा रहेगा जो कि कनेक्ट करेगा हल्दीबारी जो कि वेस्ट बंगाल में है टू दी चिल्ला हती जो कि बांग्लादेश में है अ गुड ट्रेन वॉज फ्लैग ऑफ एक यहां पर <coughs> वाज़ बाय बांग्लादेश रेलवे मिनिस्टर इसके द्वारा यहाँ पर चिल्हाती से यहाँ पर एक ट्रेन को यहाँ पर हरी झंडी दिखाई गई जो कि कनेक्ट करिए हल्दीबारी वेस्ट बंगाल और चिल्हाती बांग्लादेश को एंड ये आपका आपका इसके अलावा चार और रेल लिंक है दोनों कंट्रीज के बीच में कौन कौन से है पेट्रापोल बैनापोल कौन गे दे सिंगाबाद रोहनपुर एंड दी राधिकापुर बिरोल ओके okay, सो so ये आपके रेल लिंक्स है अच्छे से याद रख लेगा पांच बार रेल लिंक भी याद रखना है और आपके पहले बारे रेल लिंक भी आपको पता होने चाहिए एग्जाम में पूछे जा सकता है कोई भी रेल लिंक या फिर ओड वन आउट के फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जा सकता है पांच ऑप्शन देंगे जिसमें से एक गलत होगा तो आप तभी पहचान पाओगे जब आपको इनके बारे में पता होगा ओके कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए वो इस तरह का क्वेश्चन दे देंगे सिंगाबाद एंड दी दर्शना जबकि वो गलत होगा जरूर सिंगाबाद को लिंक किया गया है बट वो रोहनपुर से लिंक किया गया ना कि दर्शना से लिंक किया गया ओके okay. सो so ये खास इसमें याद रखना ध्यान रखना ऑप्शंस आपके गलत हो सकते हैं आपके कुछ भी आप कॉन्फिडेंस रखेगा बट ओवर कॉन्फिडेंस मत रखिएगा। इसके अलावा इसी मौके पर यहां पर एक स्टैंप रिलीज किया गया <coughs> बंग बहादुर शेख मुजीबुर रहमान जी की 100 वर्ष के मौके पर आपके जन्म दिवस के दे ऑल्सो लॉन्ग बहादुर बापू डिजिटल म्यूजियम बांग बहादुर शेख मुजीबुरहमान आपके देश के पहले राष्ट्रपति राष्ट्रपति थे यहाँ पर बांग्लादेश के एंड जब इंडिपेंडेंट हुआ था बांग्लादेश तब सबसे पहले इन्होंने ही हेड किया था बांग्लादेश को यहाँ पर दोनों देशों के बीच में आपका एक एक सामंजस्य बिठाने के लिए एक बांग बहादुर शेख मुजीबुर रहमान जी के सोमी बर्थ यूनिवर्सिटी के मौके पर यहाँ पर एक पोस्टल स्टैंप रिलीज किया गया हाल ही में बांग्लादेश में भी महात्मा गांधी जी के जन्मदिवस पर भी इसी तरह का एक पोस्टल स्टैंप रिलीज किया था एंड इसके अलावा यहाँ पर बाग बहादुर शेख मुजीबर रहमान जी की जिंदगी के ऊपर एक बायोपिक भी बनाई जा रही है शाम बनेंगल डायरेक्ट करेंगे इसको काफी पुरानी न्यूज है बार बार ये न्यूज में आती है और ये फाइनली ये डिसाइड किया गया स्टार्ट हो जनवरी दो से इसके अलावा नरेंद्र मोदी जी ने बांग्लादेश को इन्वाइट किया किसमें न्यू डेवलपमेंट बैंक न्यू डेवलपमेंट बैंक जो की ब्रिक्स नेशन का बैंक है का जिसमें केवल ब्रिक्स नेशन इज ब्राजील, रशिया इंडिया चाइना साउथ अफ्रीका ही शामिल है इसमें भी इन्वाइट किया बांग्लादेश को कि आप इस न्यू डेवलपमेंट बैंक के मेंबर बनिए ओके चलिए ये था आपका इंडिया बांग्लादेश के बीच में जो ऊपर ऊपर से चीजें हुई हैं मोटा मोटी जो चीजें आपको याद रखनी है मैंने हाईलाइट कर दी है आपको इसके अलावा सात एमओयू साइन किए गए एग्जैक्ट सेवन एमओयू साइन किए गए अलग अलग फील्ड में साइन किए गए मैं यही ना कहूंगा कि आपको सातों के साथ याद रखने बट हां यहाँ पर सात नंबर याद रख लेगा कि ये पूछ सकते हैं इंडिया बांग्लादेश के बीच में हाल ही में कितने नंबर ऑफ एमओयू या फिर इंडिया ने कौन से देश के साथ सात एमओयू अभी हाल ही में वर्चुअल मीटिंग के थ्रू साइन किए गए जिसमें से कुछ आपके सबसे पहला है हाइड्रोकार्बन

वहां के मेमोरियल म्यूजियम और इंडिया के नेशनल म्यूजियम के बीच में किया गया है एंड इसके अलावा सीईओ फोरम भी यहाँ पर की जाएगी सो so ये कुछ सात इंडिया बांग्लादेश के बीच में नेक्स्ट है इंडस इंड पार्टनरशिप किया मास्टर कार्ड के साथ ओके इंडस इंड बैंक ने यहाँ पर मास्टर कार्ड के साथ टाइप किया है जिसके तहत पहला मेटल क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है इंडिया का पहला मेटल क्रेडिट कार्ड दैट इज नेम इज पाइनी और हेरिटेज क्रेडिट कार्ड ये लॉन्च किया गया एक कॉन्टेक्ट क्रेडिट कार्ड है जो कि हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के लिए लॉन्च किया हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स मीन जिनकी कैपेसिटी जिनकी आपकी इनकम अर्निंग जिनके पास पैसा पूंजी उनकी काफी ज्यादा है हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स सो इसमें आपका क्या करेगा ये पहला मेटल मेटल क्रेडिट क्रेडिट कार्ड कार्ड है से है से बना हुआ मास्टर कार्ड एंड द इंडस बैंक ने मिलकर लॉन्च किया है एंड इसमें आपका ढाई करोड़ तक का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस पर्सनल एयर एक्सीडेंट कवर है ढाई करोड़ का एंड यहाँ पर इंश्योरेंस कवर फॉर अम अपू क्रेडिट लिमिट जितनी भी क्रेडिट कार्ड के लिमिट है आपकी क्रेडिट कार्ड में एक लिमिट होती है जिसमें आपका जितने तक आप एक महीने में उसमें खर्च कर सकते हैं इसके अलावा लॉस्ट बैगेज इंश्योरेंस एक लाख का लॉस ऑफ ट्रेवल डॉक्यूमेंट इंश्योरेंस पिछहत्तर हजार का भी अवेलेबल है ये आपका इंश्योरेंस से रिलेटेड है दोनों और एग्जाम में वैसे क्वेश्चन इंडस इंड बैंक ने कौन से कार्ड साथ मास्टर ने किसके साथ इंडिया का पहला मेटल क्रेडिट कार्ड दैट इज ए इंडस इंड बैंक मास्टर कार्ड पायनियर हेरिटेज क्रेडिट कार्ड इसका नाम है स्नैपडील ने पार्टनरशिप किया है NPCI के साथ स्नैपडील पार्टनरशिप विद द एनपीसीआईल क्विक रिस्पॉन्सड डिजिटल पेमेंट गेटिंग डिलीवरी ऑफ देर ऑर्डरबल टू पे इन एडवांस फॉर द आइटम्स एट दाइम ऑफ परचेज सो दिस इज स्नैप डील पार्टनरशिप विद द एनपीसीआई टू नेबल डोर स्टेप क्यू आर कोड पेमेंट फॉर दर्डर्स यहाँ पर ऑर्डर के लिए यहां पर क्यू कोड पेमेंट्स आपकी की जाएंगी क्यूआर कोड के थ्रू आप पेमेंट सॉरी क्यूआर कोड के थ्रू क्विक रिस्पॉन्स कोड के थ्रू आप स्कैन करके पेमेंट कर सकते हो तो कोई भी आपसे आपसे कोई भी डिलीवरी करवाने आए स्नैपडील आपके डिलीवर कर रहे हैं कोई भी सामान को तो आप घर पे जब भी आएगा वो सामान लेने तो आप स्कैनिंग के थ्रू भी आप उनको पेमेंट कर सकते हैं क्यू आर कोड क्यू आर क्यूक रिस्पॉन्स कोड जो आपका एक जिग जैग शेप में कोड होता है ना जो कि आप किसी के साथ अपने जब रेस्टोरेंट में खाना खाने किसी टाइम पे जाया करते थे लॉकडाउन से पहले घर पे बोला करते थे कि मैं जा रहा हूँ दोस्त के साथ तो जाते किसी और के साथ थे है वहाँ पर जब डेढ़ सौ दो सौ ढाई सौ रुपये की कॉफी पी के आते तो जेब में ढाई सौ रुपये तो होते नहीं थे तो दोस्त को कहते थे यार पेटीएम कर फटाफट यहाँ पर बिल मेरा पाँच सौ रुपये का आ गया तो वो वाला क्यू आर कोड जो आप स्कैन करके पेमेंट करते थे तो उसी क्विक रिस्पॉन्स कोड की मैं बात कर रहा हूँ ठीक है इंडिया जी डी पी टू कॉन्ट्रैक्ट बाय सेवन पॉइंट एट परसेंट इन फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी वन इकरा ओके सो यहाँ पर इकरा लिमिटेड और हाँ एक और ख़ास बात ये पेमेंट जब वो दोस्त से उधारी मांगते थे तो बाद में दोस्त जब मांगता था यार वो पैसे तो देते दे दे मैं कौन से पैसे मैंने तो तेरे से लिया नहीं है ना तो फिर तड़प तड़प तड़ के उसको तड़पा तड़पा के पैसे देते थे जब वही क्यूआर कोड इकरा लिमिटेड इनस जीडीपी आउटलुक दिसंबर 2020 प्रोजेक्ट्स दैट इंडियास जीडीपी इन रियल टर्म विल कॉन्ट्रैक्ट बाय 7.8% ओके सो okay, so यहां पर कॉन्ट्रैक्शन uh, होगा माइनस -7.8 7.8% का इकरा ने जीडीपी ग्रोथ का आंकड़ा दिया है सो so, यहाँ पर आपका दिस इज ड्यू टू द एजेंसीज फोरकास्ट दैट द टेक्निकल रिसेशन इन इंडियन इकनॉमी विल एंड इन क्यू ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2021 ओके सो ये कहा है फाइनेंशियल 21 में क्वार्टर फोर में आपका एक रिसेशन एंड हो जाएगा विद वन स्लो 1.3 परसेंट ग्रोथ बेनिफिटिंग फ्रॉम अ रियल रिकवरी ओके इंडिया जी डी पी टू कॉन्ट्रेक्ट बस सेवन इन फाइनेंशियल ईयर इन फाइनेंशियल के अनुसार राइट सो दिस समथिंग अबाउट द दिसरा पोलैंड फुटबॉलर लॉब रोबर्ट लेवेंडर्स वॉन दी बेस्ट फीफा मैन प्लेयर ऑफ द प्लेयर ट्वेंटी ट्वेंटी सो यहां पर फीफा ने रोबर्ट लेवेंडर्स पोलैंड से बिलोंग करते हैं फीफा मैन प्लेयर

ये बाकी अवार्ड्स कोशिश कीजिएगा सारे के सारे याद हो जाए क्योंकि कोई भी एग्जाम में इंपॉर्टेंट है बाकी जो एग्जाम का ट्रेंड लास्ट ईयर का देखा गया वो डेफिनेटली जब ये अनाउंस होते हैं ना तो वो पूछते ही पूछते हैं फीफा में से डेफिनेटली ये क्वेश्चन आता ही आता है फीफा मैं प्लेयर पूछ लेंगे प्लेयर पूछ पूछ लेंगे लेंगे कोच कुछ ना कुछ क्वेश्चन हमेशा देखने को मिला ही मिला है फीफा फीफा मैन मैन प्लेयर प्लेयर अवार्ड तो सारे सारे बार बार पढ़ेंगे याद कर लीजिएगा सर नेम याद रख लीजिएगा पहला नेम याद रख लेगा जो भी आपको याद होता है हाँ, कंट्री साथ में इंपॉर्टेंट है कंट्री अब मैं ये नहीं कहूँगा सारों की याद रख लें बट हाँ एटलीस्ट ऊपर के तीन बंदों के बारे में उनके कहा वो काम करते हैं कौन सी कंट्री से खेलते हैं ये आपको पता होना चाहिए एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर लॉन्च द इकोनॉमिक डिप्लोमेसी वेबसाइट सो यहाँ पर आपका एस जयशंकर ने लॉन्च किया इकोनॉमिक डिप्लोमेसी वेबसाइट को एंड टू हाईलाइटर स्टेट सोबसाइट आपकी लॉन्च की गई है मल्टी डायमेंशनल ग्लोबल बिजनेस देर बाई क्रिएटिंग अ डायनिक ब्रांड इंडिया सो यहाँ पर आपका ब्रांड <laughs> इंडिया पे फोकस किया गया है एक वेबसाइट लॉन्च की गई है डिप्लोमेसी वेबसाइट लॉन्च की गई है. है यहाँ पर इस वेबसाइट पर क्या क्या चीजें जो विजन है डबलिंग फार्मर्स इनकम का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस किस तरह से हम प्रमोट कर रहे हैं एफ को किस तरह से प्रमोट कर रहे हैं सो उस सब चीजों के बारे में यहाँ पर एक वेबसाइट बनाई गई है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने इसको लॉन्च किया

है ना ये पाँच सालों के लिए बैन किए गए थे ये काफ़ी चर्चा में तब आए जब दो हज़ार दस से दो हज़ार पंद्रह के बीच में यहाँ पर स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल में इनका नाम आया था और ये बैन भी रहे थे राइट मोहम्मद आमिर पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं एंड एक सौ उन्नीस विकेट्स ले चुके हैं फास्ट बॉलर थे आपके एंड ये आपके पाकिस्तानी टीम का पार्ट थे जब दो हज़ार उन्नीस में आई सी सी वर्ल्ड टी ट्वेंटी जो इन्होंने जीता था आपका पाकिस्तान ने एंड दो हज़ार सत्रह का आई सी सी चैंपियंस ट्रॉफी जो पाकिस्तान ने आपका जीता था

Ministers ने आल्सो अनाउंस किया एक चैम्पियनशिप होने वाले होने चाहिए नेशनल योगासन स्पोर्ट्स में की जाएगी. Efficacy, ये आपका इंक्लूड किया जाएगा खेलो इंडिया में भी खेलो इंडिया स्कीम के तहत भी एंड अदर यूनिवर्सिटी गेम्स में भी ताकि एक स्पोर्ट्स को रिकॉग्निशन मिल सके नेशनल लेवल पे और फिर फर्दर इसको हम रिप्रेजेंट कर सके इंटरनेशनल लेवल पर भी ताकि इसको में शामिल किया जा सके इन फ्यूचर सो ऑल ओवर इंडिया 51 मेडल्स इन फोर इवेंट्स विल बी मेड सात अलग अलग कैटेगरीज में ही आपका योगासन इसको शामिल किया जाएगा और जो भी इवेंट आपके ऑर्गेनाइज करने की बात कर रहे हैं फ़रवरी में चार इवेंट्स होंगे 51 मेडल्स के साथ सो so, आयुष मिनिस्ट्री यूथ अफेयर्स मिनिस्ट्री किसने रिकॉग्नाइज किया मिनिस्ट्री का नाम पूछ सकते हैं किसको रिकॉग्नाइज किया योगासन को इंट्रोड्यूस किया है यहाँ पर एज अ कॉम्पिटेटिव स्पोर्ट कब होगी चैंपियनशिप फ़रवरी 2021 में होगी एंड कितनी कैटेगरीज में सात कैटेगरीज में फिफ्टी मेडल्स फोर इवेंट्स दिस इज ऑल अबाउट दी योगा ओके नेक्स्ट चलते योगी आदित्यनाथ जी चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश नेम डिजाइन लोगो अप्रूव किया है आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि जीवर जीवर नोएडा उत्तर प्रदेश में जो बनाया जा रहा है उसका नाम अब नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट रखा गया नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट इसका नाम अप्रूव किया गया इसका लोगो आपका इमेज ऑफ सरस स्टॉक जो कि स्टेट बर्ड है ऑनलाइन ऑफ वर्ल्ड फेमस एयरपोर्ट इन लंदन मोस्को एंड मिलन उस पर इसका डिजाइन बेस्ड है ओके okay, सो so जो डिजाइन बनाया जा रहा है एंड द एयरपोर्ट इसमें चार फेजेज में बनाया जाएगा पहले फेज में 12 मिलियन पैसेंजर्स पर ईयर इसमें कैपेसिटी है एंड इसके बाद ये बढ़ता रहेगा इसमें आपका टोटल कॉस्ट थर्टी थाउजेंड करोड़ की आएगी जेवर एयरपोर्ट के बारे में पहले भी मैं बहुत बार न्यूज़ इसके बारे में ऊपर डिस्कस कर चुका हूँ डिटेल में कर चुका हूँ कि आखिर कौन इसको बना रहा है कब तक ये बनेगा एक एक चीज हम प्रीवियस किसी ना किसी न्यूज में डिस्कस कर चुके हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा हु

देना चाहिए इवन कॉमन एंट्रेंस टेस्ट भी अगर आपका आता है तो वो भी इसी पैकेज में इंक्लूड कर लिया जाएगा सो यू नीड नॉट टू वरी कॉमन एंट्रेंस एग्जाम हो जाएगा तो वो शामिल होगा कि नहीं होगा होगा वो भी एग्जाम शामिल हो जाएगा जस्ट फाइव हंड्रेड रुपीज पैकेज एनुअलिटी एंड मैनी आने वाले टाइम में जो मीनस का एग्जाम होगा उस टाइम मेरे यहाँ पर जी ए के बोर्ड भी आने वाले हैं एंड गुड मोरथिंग एक तारीख से हमारी वेबसाइट और हमारी ऐप पर कुछ आपके लिए इंक्लूड होने वाला है बहुत ही एक नई चीज इंक्लूड होने वाली है एनुअल पैकेज जिन्होंने ले रखा है उनके लिए और वो बहुत ही पसंद आएगी दैट विल बी द सरप्राइज वो रिवील किया जाएगा एक जनवरी को देखते हैं आपको डेफिनेटली वो सरप्राइज बहुत ही शानदार लगने वाला है क्योंकि मैंने वो चीज़ जो सोची है मैंने वो चीज़ जो इम्प्लीमेंट की है मैंने नहीं कहूँगा हमने जो मैम ने और मैंने मिलकर जो चीज़ सोची है वो स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी मदद के लिए सोची है जो कि बहुत ही अलग लेवल की चीज होने वाली है और वो आपको कहीं भी नहीं मिलने वाली ऐसी चीज़ है एंड मिलता हूँ एम क्लास में नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है क्लिक करके ज्वाइन करो और रात को साढ़े आठ बजे आना मत बोलना कहाँ पर कहाँ पर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड प्रीमियर लीग क्वांट प्रीमियर लीग में साढ़े आठ बजे आज पहला क्लास है पहला सेशन है उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है कैसे ज्वाइन कर सकते हो उसके बारे में मैंने डिस्क्रिप्शन में बता दिया है ज्वाइन कर लीजिएगा साढ़े आज सेशन करेंगे एंड आज आ जाइए क्लास में अभी वहाँ पर मुलाकात करते हैं टेक केयर बाय